और आज महाशिवरात्रि है। मैं आज आप सबको महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। कालों के काल महाकाल भोले भंडारी की कृपा आप सब पर बनी रहे, मेरे प्रदेश में खुशहाली रहे, यही मैं कामना करता हूं। और आज ये आपका जनसमूह यहां इतनी दूर पंचकुला में आज तक किसी राजनीतिक दल ने हिम्मत नहीं जुटाई यहां रैली करने की, और आज आपने अपने बेटे और भाई को हौसला और आशीर्वाद देने के लिए जिस प्रकार से आज टाइम भी बहुत लग गया सुबह धुंध की वजह से आपको, और यो टेंट छोटा पड़ गया उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। कुर्सियां थोड़ी पड़ गई आज, इस टेंट इतने बैठे इतने तो बाहर घूम रहे हैं, तो मैं उसके लिए आप सबसे माफी चाहता हूं, व्यवस्था में थोड़ी सी चूक रहेगी। लेकिन आपका जोश और आपका ये प्यार और आशीर्वाद जो आपने मुझे यहां आकर दिया है, ये मेरे अंदर एक नई ऊर्जा और ताकत भरने का काम किया है। आज 24वां दिन है, लगभग 670 किलोमीटर का सफर तय करके हम सब यहां पहुंचे हैं। पूरे हरियाणा ने नांगल चौधरी से लेकर और यहां पंचकुला तक, पूरे हरियाणा ने गांव गांव में जब निकला आपका ये बेटा ये भाई, तो स्वागत किया है, आशीर्वाद दिया है, और इस सरकार तानाशाह सरकार को कोसने का काम किया है। आज पूरे प्रदेश में पूर्ण रूप से विश्वास उठ चुका है इस तानाशाह सरकार के ऊपर से लोगों का। लोग एक नई किरण चाहते हैं राजनीति के अंदर, और जो माहौल मैं इस प्रदेश का देख कर आया हूं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि नांगल चौधरी से मैं चला था हर गांव में, हर शहर में, हर कस्बे में, मुझे युवा मिले झुंड के झुंड। वो कहते हैं बलराज भाई हमारा भविष्य अंधकार में है, सरकार ने नौकरियां खत्म कर दी, सीटी के नाम पर हमारे साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, 4 साल में एक बार पेपर लिया और उसमें पास तो 3.5 लाख कर दिए, लेकिन उसके लिए अगले टेस्ट के लिए मात्र 25-26 हजार को ही मौका मिलेगा। आज मेरे कल परसों झूठ बोलकर या पुलिस ज्वाइनिंग के लिए मेरे युवा बैठे थे साथी, सीएम का ओएसडी आया, उनको कहा हम कंडीशनल 15 दिन में ज्वाइनिंग करा देंगे, तुम जो है घर चले जाओ, जब कोर्ट का फैसला होगा वो आपको मानना होगा ये कंडीशन करके, और उनको बहका फुसला कर घर भेज दिया। ये आपके बेटे और भाई का प्रेशर सरकार के ऊपर था। आज प्रदेश का युवा कौशल रोजगार के निगम पर, निगम के नाम से उसके साथ ऐसा खिलवाड़ किया जा रहा है। मेरे पढ़े लिखे एमए एमएड बीए बीटेक हाईली क्वालिफाइड बच्चों को आज चपड़ासी की लाइन में, वो भी ठेकेदारी टेम्परेरी की लाइन में खड़ा कर दिया। मैं आपको बताना चाहता हूं, यात्रा शुरू करने से 6-7 दिन पहले मेरे पास एक गरीब आदमी अपने बेटे को लेके आया, और वो कहने लग गया विधायक जी मेरे बेटे ने कौशल रोजगार निगम में चपड़ासी का फार्म भर रखा है, इसकी मदद करके इसको चपड़ासी लगवा दो। जो ठेकेदारी उसका ये नहीं पता वो 6 महीने का लगेगा या 1 साल लगेगा। मैंने उस बच्चे की तरफ देखा, मुझे वो बच्चा पढ़ा लिखा लगा। मैंने उससे पूछा कि ये बच्चा पढ़ा हुआ कितना है, तो जब उसके बाप ने उसकी क्वालिफिकेशन मुझे बताई तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उसने बताया कि मेरे बच्चे ने सिविल से एमटेक किया हुआ है। एक गरीब आदमी जिसने कपड़े सील कर अपने बच्चे को सिविल से एमटेक कराया, ये सोचकर कि ये मेरा बेटा
एसडीओ एक्शन और एससी बनकर अफसर लगेगा, मेरे भी अच्छे दिन आएंगे। वारे भाजपा, ये है अच्छे दिन। एक एमटेक बच्चे को कॉन्ट्रैक्ट की चपरासी की लाइन में खड़ा कर दिया, इससे अच्छे दिन तो हो ही नहीं सकते गरीब के। एक एमटेक बच्चा जब 12वीं पास कर रखो, उसके जूठे बर्तन धोएगा, उसको चाय पिलाएगा तो उसकी हर रोज मृत्यु होगी, अंदर से मरेगा वो हर रोज, और एक दिन सुसाइड करेगा। मैं दावा करता हूं ऐसा ही हो रहा है। ये है अच्छे दिन, ये है सबका विकास, ये है अंत्योदय। युवाओं का मनोबल टूटते देखा मैंने। मेरे को युवा मिले, भाई साहब हमने तो आगे एडमिशन ही नहीं लिया। मैं कहा क्यों नहीं लिया? कहना क्या करेंगे एडमिशन लेके पढ़कर, टाइम भी खराब और घर के पैसे भी खराब हो रहे हैं, नौकरियां तो हमारे लिए हैं नहीं। क्या पीड़ा मैंने उन युवाओं को देखी, उनके बाप दादा मिले मुझे, उनके अंदर एक भय था कि आज की इस पीड़ा की वजह से उनके बच्चे नशे की तरफ जा रहे हैं, अपराध की तरफ जा रहे हैं। उस बाप के दर्द को खट्टर साहब कैसे समझ सकते हैं? उन्हें तो बेरायनी परिवार किसको कहते हैं। बच्चों का दर्द क्या होता है? अरे को छोटा देवीलाल उनकी गोदी में बैठकर जो इस प्रदेश को से जमुना पार भेजकर इस भाजपा को और खट्टर को कहकर वोट लूट के आया था, वो उस भाजपा के खट्टर साहब की गोदी में बैठकर इस प्रदेश को लूटने का काम कर रहा है। जो मेरे युवाओं को नौकरी देने का दावा करता था, मेरे बुजुर्गों को 5100 की पेंशन देने का काम का वादा करके आया था, आज कमीशन खोरी में जितने विभाग लेकर बैठा है सब में लूट मची हुई है। ये है अच्छे दिन इस प्रदेश के। मुझे नांगर चौधरी से लेकर पंचकुला तक किसान मिले, नांगल चौधरी में, नारनोल में, महेंद्रगढ़ में, दादरी में, पाले से सरसों की फसल बर्बाद होगी, उसमें नुकसान हो गया, वो डीसी ऑफिस के चक्कर काट रहे हैं, सड़कों पर बैठे जिंदाबाद मुर्दाबाद कर रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं। कलानोर, महम और जुलाना, नारनोंद में जल भराव की वजह से कई हजार एकड़ खाली पड़ी है उस किसान की। किसानों को रोहतक, जींद, कैथल में, यमुनानगर में गन्ने के भाव के लिए सड़कों पे उतरते देखा। कुरुक्षेत्र, यमुनानगर में आलू की फसल जो है एक एकड़ में सिर्फ 12 से 15 हजार रुपए की आलू की फसल हो रही है, और उसको पैदा करने में एक किसान को 40,000 रुपए से ज्यादा खर्चा आ रहा है। उस किसान के दर्द को देखा, उसको सड़कों पर बैठा देखा। यह है मेरे किसान की डबल इनकम, जो 2022 तक ये भाजपा की सरकार के लोग उसको 2022 में खुशहाल बनाने की और उस किसान को खुश समर्थ बनाकर डबल आय करने की बात करते थे, उसका दर्द देख के आया हूं मैं इस प्रदेश में। इस प्रदेश में खिलाड़ी, एक खिलाड़ी को तैयार करने में पूरा घर खुवाना पड़ता है। हरियाणा प्रदेश देश के 65% मेडल लाकर देश का नाम ऊंचा करने का काम करता है। खेलो इंडिया में हरियाणा प्रदेश एक नंबर के पायदान पर होता था, लेकिन हमारी हरियाणा प्रदेश की सरकार ने हमारे खिलाड़ियों का खेल कोटा खत्म करके, नर्सरिया खत्म करके, उस किसान, उन युवाओं का, उन खिलाड़ियों का मनोबल तोड़ने का काम किया है, और आज मेरा हरियाणा प्रदेश खेलो इंडिया में एक नंबर के पायदान से खिसक कर 3 नंबर पर पहुंचा दिया है। यह है मेरा खुशहाल हरियाणा, यह है सबका साथ सबका विकास। आज मेरे प्रदेश का कर्मचारी जो सड़कों पे बैठा है अपनी ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करवाने के लिए,
जो उसका हक है। एक कर्मचारी अपनी जिंदगी के 35 से 38 साल प्रदेश की सेवा के लिए गुजारता है और बुढ़ापे में उसको उम्मीद होती है उसका बुढ़ापे का सहारा पेंशन होती है। नई पेंशन स्कीम में उसको बुढ़ापा पेंशन से भी कम 1200 1500 रुपए नई पेंशन से मिलते हैं। वो अपना हक लेने के लिए ओल्ड पेंशन लागू कराने के लिए आज सड़कों पे बैठा है, कल मुख्यमंत्री के घर का घेराव करने जा रहा है। यह है मेरा खुशहाल हरियाणा। आज मेरे प्रदेश का कलरक जो सारी नीतियों को इंप्लीमेंट करता है, सारी फाइलों पे काम करता, उसके बगैर कोई काम नहीं हो सकता। उसका मानदेय 19,900 रुपए है। वो अपने हक के लिए अपने मानदेय को 35,400 कराने के लिए आज सड़कों पे बैठा है। मेरे प्रदेश के अनेकों विभाग में जिसको सिलेक्शन हुए, भाई अनिल ने भी बताया, यो भी लेक्चरर लग गया था लेकिन वह भर्ती कैंसिल कर दी। ऐसे ही संस्कृत के अध्यापक, कई और आईआईटी के इंस्ट्रक्टर जिनकी सारी प्रक्रिया हो चुकी है, इस सरकार ने सारी नौकरियों पे कैची चला दी, उनको ज्वाइनिंग नहीं करा रही है। यह है मेरा खुशहाल प्रदेश। इस सरकार के अंदर हर कर्मचारी आज परेशान और सरकार की तानाशाहियों की वजह से पीड़ित और ठगा हुआ महसूस कर रहा है। इस प्रदेश का सरपंच पहले ही लोकतंत्र की हत्या कर चुनावी प्रक्रिया को 2 साल लेट करने का काम किया, जो इतिहास में पहली बार। पिछली बार 9 महीने लेट की थी पिछली टर्म में, और अब की बार 2 साल। कितनी बड़ी तानाशाही, कोर्ट के और उनके प्रेशर में चुनाव तो करा दिए लेकिन चुनाव के बाद उनकी ताकतों पर कैंची चलाने का काम किया इस तानाशाह सरकार ने। ई टेंडरिंग लागू करके अपना कमीशन खोजने की उस प्रक्रिया को लागू करने का काम किया। मैं पूछना चाहता हूं इस प्रदेश की सरकार से, ई टेंडरिंग से कौन सा भ्रष्टाचार रोकेंगे आप? आप तो कमीशनखोरी को बढ़ावा दे रहे हैं, क्योंकि सरपंच तो कमीशन देगा नहीं, इसलिए ठेकेदारी लगाकर उस टेंडर कौन सा नया कर दिया। वही बीडीओ है, वही जेईएसडीओ है, वही पंचायत सेक्रेटरी है, लेकिन सरपंच का पावर छीनकर अगर सरपंच एक हफ्ते में पेमेंट नहीं करेगा तो बीडीओ को पावर, ऐसा पहली बार सुनने को मिल रहा है। खाता सरपंच का होगा और पैसे कढ़ाने का अधिकार बीडीओ को देने का काम। वार है मेरी सरकार, यह तानाशाह सरकार जिसने हर चीज को, हमारे मौलिक अधिकारों को जो संविधान ने हमें दिए है, सबको तार तार करने का काम कर रहे हैं। यह है अहंकारी और घमंडी सरकार, इसको सबक सिखाने के लिए तैयार हो जाओ। मैं इसलिए जनजागृति यात्रा लेके निकला था, मैंने देखा है अपने बुजुर्गों की पीड़ा। मुझे रास्ते में बुजुर्ग मिले, वो कहने लगे, बेटा मारी पेंशन काट ली। इस प्रदेश के 12 लाख, लगभग 12 लाख बुजुर्गों की पेंशन काट दी सरकार ने। वो छोटा देवीलाल जो उनकी पेंशन को 5100 रुपए कहकर वोट लूट के आया था, आज वो उन बुजुर्गों की पेंशन काटने का काम कर रहा है। ये है रे मेरी सरकार। गरीब आदमी जिसको अंत्योदय तक उसको उठाने की बात करते थे, आज फैमिली आईडी के नाम पर जो इनकम का खेल खेला जा रहा है, उसमें उस गरीब आदमी के राशन कार्ड काट दिए गए हैं। वो आदमी बीपीएल कार्ड वाला भी आयुष्मान, जो बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, आयुष्मान कार्ड फ्री इलाज मिलेगा, उस गरीब को कोई अस्पताल में घुसने नहीं दे रहा। मेरे पास कई गरीबों के ज्ञापन मिले, मेरे पास रखे हुए हैं, जो अभी गवर्नर को दूंगा मैं, कैंसर से पीड़ित हैं, कोई अस्पताल उनकी सुनने वाला नहीं है। बीपीएल कार्ड और आयुष्मान लेके घूम रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। यह है मेरी सरकार के अच्छे दिन। आज प्रदेश का हर वर्ग पीड़ित और प्रताड़ित है। आज मैंने वहां से लेकर जो अपने
हरियाणा प्रदेश के हर वर्ग के को टीस और तकलीफ और जो आंसू देख के आया हूं वो पीड़ा वो टीस मेरे दिल में उठ रही है। और मैं इस हरियाणा प्रदेश वालों से 10 डिस्ट्रिक्ट से होकर आया हूं, मैं सबसे कहकर आया हूं, ऐ भोले लोगों अब तो जागो, इस दुष्ट तानाशाह सरकार को आपको बचाना होगा। आपको इनको जिस प्रकार से इन्होंने हमारे बच्चों को बेरोजगार कर दिया, इनकी जमानतें जब्त करके इनको बेरोजगार करने का काम करना होगा आपको। और राजकुंडू आगे बढ़े, और राजकुंडू आगे बढ़े, और ये तभी होगा जब आप जागोगे। इन पार्टी के गुलाम, इन पार्टियों के चाटुकार, इन लुटेरे राजघरानों के गुलामों को जिनको टिकट देकर आपके बीच में छोड़ दिया जाता है, उनको सबक सिखाकर किसान मजदूर छोटे कर्मचारी व्यापारी के पढ़े लिखे युवा नौजवान जो नई सोच का हो, आपका अपना बेटा हो, उसको अपना वकील बनाकर विधानसभा में भेजोगे तब व्यवस्था परिवर्तन होगी। इस प्रदेश को जगाने के लिए एक चिंगारी मैं इस जन जागृति यात्रा के माध्यम से इस हरियाणा प्रदेश में छोड़ के आया हूं। इस चिंगारी को ज्वालामुखी बनाने का काम आपको करना है। इस प्रदेश को आज हमें अपने बच्चों के भविष्य के लिए लड़ना होगा। उनका भविष्य अंधकार में है। आज वो नशे में, अपराध में की तरफ खींचे जा रहे हैं मानसिक तनाव की वजह से। उनको अपना भविष्य नजर नहीं आ रहा। सरकार ने नौकरियां खत्म कर दी हैं। हमारे बच्चे बहुत पीड़ा के झेल कर उसको जी रहे हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं, आज पंजाब से भी बुरा हाल। पहले पंजाब को उड़ता पंजाब कहते थे, आज हरियाणा प्रदेश के मेरे युवा उस पंजाब को भी पीछे छोड़कर नशे की तरफ आदि होते जा रहे हैं। हमें अपने बच्चों को बचाना है, हमें किसान को बचाना है, क्योंकि ये सरकारें, ये सत्ता पक्ष और विपक्ष, ये चूहे बिल्ली का खेल खेल रहे हैं। विधानसभा के अंदर इस बात के मुद्दे पर चर्चा नहीं होती कि युवाओं को रोजगार कैसे दिया जाए। विधानसभा में इस बात की चर्चा नहीं होती कि किसान को खुशहाल कैसे किया जाए। विधानसभा के अंदर इस बात पे चर्चा नहीं होती यू गरीब आदमी को उसकी गरीबी से कैसे निकाला जाए। आज इस सरकार ने उस गरीब की गरीबी का फायदा उठाकर उसको 5 किलो फ्री अनाज में खरीदने का काम किया है। उस 5 किलो फ्री अनाज से गरीबी दूर नहीं हो सकती। उसके लिए उस गरीब को कम से कम 700 रुपए दिहाड़ी और 30 दिन काम चाहिए। जिस गरीब के घर में 20,000 रुपए महीना आएंगे, वो स्वाभिमान से अपना अनाज भी खरीदेगा, अपने बच्चों को भी पढ़ाएगा और बिजली का बिल भी भरेगा। लेकिन इस पे चर्चा नहीं होती विधानसभा में। विधानसभा के अंदर मेरे कर्मचारी को सेटिस्फाई कैसे किया जाए, उसको संतुष्ट कैसे किया जाए ताकि वो ईमानदारी से अपने काम को कर सके, इस पे चर्चा नहीं होती। विधानसभा के अंदर लूट खसोट के लिए एक दूसरे पर टीका टिप्पणी करने का काम करते हैं ये सत्ता पक्ष और विपक्ष के लोग। शेरो शायरी करते हैं, उस सदन की गरिमा को तार तार करके रख दिया। ये पीड़ा है मेरे मन में, ये पीड़ा है मेरे दिल में, और उसी पीड़ा को लेकर मैं प्रदेश की ये जन जागृति यात्रा निकालकर आज चंडीगढ़ पंचकुला में पहुंचा हूं। इस प्रदेश को बचाना है, अपने युवाओं को बचाना है, उस गरीब को बचाना है, किसान को बचाना है, कर्मचारी को उसका हक दिलाना है। आज प्रदेश के अंदर स्कूल बंद किए जा रहे हैं, शिक्षा का बेड़ा गर्क कर दिया, ठेके खोले जा रहे हैं।
अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है। दावा करने वाली यह सरकार कि हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा, डॉक्टरों की कमी को पूरा किया जाएगा, कहां गए वो मेडिकल कॉलेज? आज हमारे गांव के पीएचसी सीएचसी सामान्य हॉस्पिटल सब में ना डॉक्टर है ना और इक्विपमेंट है। गरीब आदमी दर दर की ठोकरें खा रहा है, वो इलाज नहीं कर पा रहा प्राइवेट हॉस्पिटल में। यह है खुशहाल प्रदेश। आज उस पीड़ा को लेकर मुझे इतना दर्द है कि मुझे अपने पैरों के वो छालों के घाव से दर्द नहीं है, मुझे उस पीड़ा अपने प्रदेश की हालात से वो तकलीफ है। उस तकलीफ को लेकर मैं आज इस प्रदेश को जगाने निकला हूं और वही व्यथा महामहिम राज्यपाल जी को सौंपने जा रहा हूं। और आप सबने जो यहां आकर मेरा जोश हौसला और जो मुझे ताकत दी है, उसके लिए मैं आप सबका दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं। और आपको एक बात कहना चाहता हूं, यह शुरुआत है, यह शुरुआत है, आगाज है, अभी तो लड़ाई शुरू हुई है। हमें इस व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई को इतना आगे ले जाना है। यह लूट की दुकानें, आपने ये कांग्रेस का राज भी देखा, उस लूट को भी देखा, उससे परेशान होकर लोग इस भाजपा के झूठे जुमलों में फंसकर इस भाजपा को लेके आए। इस भाजपा को लेके आए और भाजपा का हाल आपने देखा। और अब यह तीसरी टर्न, इसमें उठक बंधन जेजेपी के साथ मिलकर आज इस प्रदेश को दोनों हाथों से लूटा जा रहा है। प्रदेश के ऊपर 3.5 लाख करोड़ का कर्जा हो गया है। सारे प्रदेश के अंदर सड़कों का बुरा हाल है, पानी पीने का किसी गांव में है ही नहीं, स्कूलों का बुरा हाल है, आज अस्पतालों का बुरा हाल है, नौकरियों में प्रदेश जो है ना बेरोजगारी में नंबर वन हो गया, अपराध में हिंदुस्तान में सबसे असुरक्षित प्रदेश की श्रेणी में आ गया है। कहां जा रहा है ये पैसा? मैं पूछना चाहता हूं, ये राजघराने जो हजारों हजारों करोड़ के महलों में रहते हैं, कहां से आया इनके पास ये महल? करोड़ों करोड़ों की घने कई कई हजार करोड़ की संपत्तियां इन्होंने विदेशों में होटल और पता नहीं क्या क्या खरीद रखे हैं, कहां से आया ये पैसा? इनके बाप दादा के कौन से बिजनेस चलते थे जिससे ये पैसा आया? इस प्रदेश को लूटने का काम किया है इन्होंने, आपके खून पसीने के टैक्स को, उस कमाई को लूट कर इन्होंने अपने घरों को भरा है। आपको उनसे हिसाब लेना है। और मैं वादा करता हूं, जिस दिन इस हरियाणा प्रदेश ने अपनी विधानसभा में उस किसान मजदूर के 50-60 युवा अपने बच्चों को भेज दिया, वादा करता हूं इन लुटेरों का एक एक हिसाब लिया जाएगा। इनसे जो प्रदेश को लूटा है, उस लूट का हिसाब लेकर इनको जेलों के अंदर डालने का काम करेंगे, वादा करता है ये आपका बलराम। ये लूट अब नहीं चलने देंगे, इस प्रदेश के युवा को अब नहीं मरने देंगे। आज बेरोजगारी से हताश होकर मेरा युवा सुसाइड कर रहा है। इन तानाशाह लोगों ने मेरे किसानों पे लाठियां चलवाई, मेरे युवाओं पे लाठियां चलवाई, कर्मचारियों पे लाठियां चलवाई, मेरी बेटियों के ऊपर भी, उनको भी नहीं छोड़ा। आपने देखा होगा पिछले दिनों डॉक्टरी के अपने हक के लिए, उस बॉन्ड के लिए, जब हमारी बेटियां जो डॉक्टर बनकर आप समाज की सेवा करना चाहती थी, उनको किस प्रकार से घसीटने का काम, उन पर लाठियां चलाने का काम इस तानाशाह सरकार ने किया। एक एक चीज का हिसाब लेंगे। आज इस दिन किसान मजदूर का बेटा, क्योंकि मैं उस पीड़ा को जानता हूं, मैं एक छोटे से किसान का बेटा हूं, एक फौजी का बेटा हूं, ये सारे राजघराने अपने किसान, अपने आप को किसान बताते हैं, वो रजवाड़े हैं, हजारों हजारों एकड़ जमीन के मालिक हैं। ये बलराज कुंडू तो 8 एकड़ के जमींदार का बेटा, एक फौजी का बेटा है। हर वो काम किया है जो एक किसान का बेटा करता है, हल नहीं जोड़ रखा, बाकी कोई काम नहीं छोड़ा। मुझे पता है इस किसान की तकलीफ क्या होती है, मुझे पता है, मैं उस पुलिस की भर्ती की लाइन में खड़ा हुआ हूं, मुझे पता है एक युवा की
बेरोजगारी की पीड़ा क्या होती है मैं जानता हूं। ये राजघरानों के राजकुमार जिनके जिन्होंने इस प्रदेश को लूटकर अपनी तिजोरियां भरी हैं, उन्हें क्या मालूम उस गरीब का किसान मजदूर का दर्द क्या होता है। अब किसान मजदूर छोटे कर्मचारी व्यापारी के बेटों की सरकार आएगी, आपकी अपनी सरकार आपको बनानी है, इसके लिए आपको तैयार होना है, तभी व्यवस्था परिवर्तन होगी। और इस प्रदेश में जो आज महंगाई आसमान छू रही है, प्रदेश के अंदर लूट और भ्रष्टाचार ने सारी सीमाएं लांघ दी हैं, उसका हिसाब लेना है। प्रदेश आज बेरोजगारी में एक नंबर पे आ गया है, उसको ठीक करना है। प्रदेश आप देश का सबसे असुरक्षित प्रदेश हो गया है, उसकी इमेज सुधारने का काम करना है। उसके लिए आपको ये शुरुआत है, ये शंखनाद है। आज महाशिवरात्रि के दिन महाकाल के सामने आप सबको ये संकल्प लेना है, अब ये चिंगारी ज्वालामुखी बनकर 2024 के अंदर आपको अपने बेटों को अपना वकील चुनकर विधानसभा में भेजना है। फिर उस विधानसभा के अंदर युवा की बात होगी, किसान की बात होगी, गरीब की बात होगी, कर्मचारी की बात होगी, सरपंचों को हक देने की बात होगी, बुजुर्गों को पेंशन देने की बात होगी, शिक्षा का स्तर ऊंचा करने की बात होगी, अस्पतालों का दशा सुधारने की बात होगी, इस प्रदेश को आगे ले जाने की बात होगी, तब ये प्रदेश खुशहाल और समृद्ध होगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबने आशीर्वाद। अब हमने चलना है राज्यपाल को ज्ञापन देने के लिए, सब साथ चलोगे ना, तो अब हम यहां से पैदल चलेंगे शांतिपूर्वक, लंबी लाइन बनाकर, ताकि चंडीगढ़ वालों को पता लगे कि अब हरियाणा जाग गया है, अपने हक के लिए उठ गया है। और उस आगाज को लेकर अब हम गवर्नर के पास चलेंगे। सबको राम राम, बहुत बहुत धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।